अस्सलामुअलैकुम। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह मैं ऑनलाइन पैसे कमाती हूँ एज अ स्टूडेंट, और मैं किस तरह बच्चों को ट्यूशन दे के पढ़ाती हूँ। और उस वीडियो में प्रोफाइल बनाने के रिलेटेड आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि प्रोफाइल किस तरह बनेगी, उसका तरीका क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये एक ट्यूटोरियल बना दूं जिसमें एक प्रोफाइल बना के आप लोगों को दिखाऊं, और ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हो जाए। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वाली देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और वेबसाइट का नाम लिखें, preply.com। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी वेबसाइट खोल सकते हैं। वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी आप लोगों को, बहुत अच्छी और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है। आप वहां पे नीचे आए तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर जॉब अपॉर्चुनिटीज में, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने से ऐसी कुछ चीज खुलेगी। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख सकते हैं, पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं, या फेसबुक से या गूगल से। तो मैं गूगल से लॉग इन करती हूँ। जब आप गूगल से लॉग इन करें तो जस्ट प्लीज मेक श्योर कि आपने अपना गूगल का अकाउंट ऑलरेडी अपने लैपटॉप पे खोला हुआ हो, फिर आपको लॉग इन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं अकाउंट चूज करके, आपका जो भी अकाउंट है जिसे आप बनाना चाहते हैं आप उसको करें। आपको एक कोड मैसेज आएगा, यूजली नहीं आता, कभी कभी आता है। आप उस कोड से वेरीफाई करें, आपके फोन में मैसेज आया होगा। और यूजली नहीं आता है, कभी कभी आता है। तो अगर आपके पास नहीं आया तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और अब हमने साइन इन कर लिया है वेरिफिकेशन कोड डाल के। अब यहाँ पे आपके पास ये डैशबोर्ड खुल गया है। इसमें आपने बारी बारी सारी चीज़ें फिल करनी है। हमारा नाम, लास्ट नेम, ईमेल फिल है। आप यहाँ से अपना कंट्री चूज करें, यहाँ पे हम पाकिस्तान चूज करते हैं। लैंग्वेजेस इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है आप B2 चूज कर सकते हैं। अब इसका मैं बता दूं कि A1 बहुत बिगनर लेवल है, A2 से थोड़ा एडवांस है, B1 थोड़ा कम नॉर्मल है, B2 से ज़्यादा है, C1 और C2 और अच्छी हैं। और जो नेटिव का मतलब है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और आप पैदा ही आप बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे B2 चूज कर देते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप B1 या A2 भी चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप उर्दू को ऐड कर सकते हैं क्योंकि उर्दू में आप नेटिव डालें। उसके अलावा भी आप अरेबिक या कोई भी लैंग्वेज जो आप पढ़ा सकते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, आप वो लैंग्वेजेस ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज करेंगे जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, ज्योमेट्री है, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाना है आप वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका हावरली रेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रेट सिलेक्ट करेंगे, तो रेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप क्योंकि बिगनर प्रोफाइल बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 3 से 4 डॉलर के बीच में ही रेट सिलेक्ट करें, तो हम $4 रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और कंफर्म करेंगे कि आप 18 से अबव हैं। अगर आप 18 से कम एज के हैं तो फिर यू वॉन्ट बी एबल टू मेक द प्रोफाइल। फिर आप नेक्स्ट चूज करेंगे और आपका ये पहला ऑप्शन हो गया है। अब यहाँ पे प्रोफाइल फोटो अपलोड करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है फोटो में कि आपका पोर्ट्रेट शोर होना चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, यू नीड टू स्माइल, आपको न्यूट्रल लाइटिंग यूज करनी है, कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या लोगोस ना हो, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। हाँ, और अगर आप बुरका करते हैं और आप अपनी फोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर बुरके में भी लगा सकते हैं, उनको उससे कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे और ये फोटो अपलोड हो जाएगी। इस फोटो को आप क्रॉप करें जिस तरह आप उसको पोजिशन करना चाहें। और यहाँ से फोटो अपलोड हो गई है, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दें।
तो पिक्चर अपलोड करने के बाद अभी अगला स्टेप है, यहाँ पे आपको अपनी डिस्क्रिप्शन और अपनी डिटेल लिखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडलाइन लिखेंगे, आपको इंग्लिश में अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है सारी। तो यहाँ पे आप हेडलाइन लिखेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे उर्दू और हम अरेबिक और कुरान पढ़ाने का प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट द ट्यूटर। में आप अपनी डिस्क्रिप्शन और डिटेल लिख सकते हैं। I would love to help my students grow, so please book a lesson now. और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें तो मेक श्योर कि उसमें आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, उसको रीचेक कर लें। और अगले स्टेप में आपको एक वीडियो अपलोड करनी होगी। अब वीडियो के लिए आपको टेस्ट कैमरे पे क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर जब वीडियो के ऑप्शन में जाएंगे आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना फिर आप एंड रिकॉर्डिंग करके आपके पास ये प्रोफाइल खुल जाएगी जहाँ पे आप अपना लिंक किसी वीडियो का पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर का कैमरा इतना अच्छा नहीं होता है, तो आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें वीडियो और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे इस तरह। और जब आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो आप वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ से अपनी वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आप नकाब करते हैं या हिजाब करते हैं तो आप अपना मुंह कवर करके भी वीडियो बना सकते हैं और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आपकी वीडियो अपलोड हो गई और फिर आप आगे आप नेक्स्ट चूज़ करेंगे। और आखिरी स्टेप होगा, आप अपनी अवेलेबिलिटी सेट करें। आप यहाँ से अपना टाइम जोन सेट करेंगे। अगर आपका टाइम जोन आ रहा है क्लियरली तो आप येस करेंगे, और अगर नहीं आ रहा तो आप नो करके सेट करेंगे। और ये स्लॉट्स हैं, इसमें अब आप लिखेंगे कि आप किस किस टाइम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप किस किस टाइम अवेलेबल हैं। तो जब मैंने ये सारे स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड हुए हुए हैं, अगर आप इनमें से चेंज करना चाहें, अगर आप वीकेंड पे ना पढ़ाना चाहें, किसी एक दिन ना पढ़ाना चाहें, आप ये इस तरह डाल दें। और आप ये बाद में भी अपना टाइम टेबल कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल सबमिट हो गई है। अब वो आपका प्रोफाइल रिव्यू करेंगे, उसमें वो कुछ दिन लेंगे, तकरीबन 4 से 5 दिन लेंगे आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेंगे। और जब आपकी प्रोफाइल रिव्यू हो जाएगी तो अब आपकी प्रोफाइल विजिबल हो जाएगी और फिर आपके पास और स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उन स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे लाइक भी कर दें। अगर कोई और क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।